नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भविष्य नक्षत्र में। इस चैनल पर आपको दैनिक जीवन में आ रही समस्याओं के उपाय आपकी जन्मपत्री के अनुसार तो दे ही दिया करते हैं, सार्वभौमिक उपायों के लिए आप लगातार बने रहें चैनल यूट्यूब के साथ। और यदि शॉर्ट्स देखने हैं या हमारे शॉर्ट वीडियोज़ अगर आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर, तो उनमें आपको उपाय मिल जाएंगे विशेष, जो कि हैं सीधे आपके ही कामों के बारे में। और उसके लिए जाना है कहाँ, instagram.com/भविष्य नक्षत्र पर ही। और यदि हमें फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, जी हाँ, भविष्य नक्षत्र.in पर ही। सभी 12 राशियों के लिए, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए, तो आपको राशिफल तो मिल ही जाएगा, साथ साथ क्या विशेष उपाय हैं, क्या लकी कलर हैं, यह भी बताएंगे। लेकिन एक ऐसा उपाय भी एंड में ज़रूर देंगे वीडियो के, जो कि आपके लिए विशेष है आज के दिन के हिसाब से। यदि आप वह उपाय कर लें जो आपकी राशि के अनुसार है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो वीडियो के अंत में बताया गया उपाय ज़रूर कर लें, ताकि यदि आप वह उपाय ना कर पाएँ जो आपकी राशि के अनुसार है तो वीडियो के एंड में बताया गया सरल उपाय आप कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का राशिफल मेष राशि के लिए। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो आज आय के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आज आपको आय सीधे आते हुए दिख रही होगी, तो यह दिन आज आपके लिए शुभ जाने वाला है आय के तौर पर। यदि देखें आप स्वास्थ्य के तौर पर, तो आज आपको किसी प्रकार के कंधों से जुड़ी हुई समस्याएँ परेशान कर सकती हैं। यदि देखें आप प्रेम के तौर पर, तो किसी प्रकार का नोकझोंक भरा रिश्ता आज आप सहेंगे, ऐसा प्रेम योग बन रहा है। चाहे शादीशुदा हैं या प्रेम प्रेमिका हैं आप, तो फिर ये दोनों ही चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। यदि देखें आप उपाय के तौर पर, तो आज बुधवार के दिन आपको गणेश जी की पूजा करना, घी का दीपक जलाना विशेष उपाय बन जाता है। यदि देखें आप शुभ रंग के लिए, तो शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज और शुभ अंक नंबर 1 रहने वाला है। राशिफल वृषभ राशि के लिए, आर्थिक तौर पर देखें तो खर्च में कमी आने के चांसेस बने हुए हैं, लेकिन आपके आर्थिक आय के स्रोत जो हैं वह नॉर्मल ही रहेंगे, कुछ बढ़ने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। ये देखिए स्वास्थ्य के तौर पर, तो आज आप किसी प्रकार की कड़वी चीज़ों को खाने के लिए बाध्य हो जाएंगे, ऐसी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। यदि देखिए प्रेम के तौर पर, तो आज कुछ खटास अपने प्रेम के रिश्तों में आज आपको झेलनी पड़ सकती है। यदि देखिए पारिवारिक तौर पर उपाय के लिए, तो आज आपको परिवार को कहीं बाहर घुमाने ले जाना विशेष उपाय भी है, परिवार को अच्छा लगेगा। यदि देखें आप शुभ रंग के लिए, तो पीला शुभ अंक नंबर 2 रहने वाला है। राशिफल मिथुन राशि के लिए, आर्थिक तौर पर यदि देखें, तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको आज किसी प्रकार का व्यापार के इस माह के अंत में मुनाफा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ आज उसके लिए विशेष दिन भी है कोई नया काम जोड़ने के लिए। यदि देखें स्वास्थ्य के तौर पर, तो आज आपको दिल में किसी प्रकार की समस्याएं अपने हृदय रोग से संबंधित फील हो सकती हैं, कोई इन्फेक्शन आज आपको पकड़ सकता है। यदि देखें प्रेम के तौर पर, तो आज आप अपने प्रेमी युगल के संग कहीं बाहर जा सकते हैं, ऐसा कुछ अच्छा चांस बन रहा है, रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। यदि देखें उपाय के तौर पर, तो आपको गणेश भगवान को मोदक का भोग लगाना आज के दिन विशेष उपाय बन जाता है, बुधवार के दिन ऐसा कर भी लेना चाहिए। यदि देखें आप रंग के तौर पर, तो शुभ रंग लाल, शुभ अंक नंबर 2 रहने वाला है। राशिफल कर्क राशि के लिए, आर्थिक तौर पर देखें, तो आज आपको आय के स्रोतों में कुछ बढ़ोतरी नज़र आएगी, चाहे व्यापार वाले हों या फिर आप हो नौकरी पेशा, कुछ रास्ते खुले खुले से नज़र आ सकते हैं। यदि देखें आप स्वास्थ्य के तौर पर, तो आज आपको अधिक खाना या अपच दोनों ही परेशानियां रह सकती हैं, ज़्यादा ना खाएं, सोच समझ कर खाएं, पेट आपका है, ख्याल भी आप ही को रखना है। यदि देखिए प्रेम के तौर पर, तो दिन आपका अच्छा रहने वाला है, पति पत्नी के बीच में आज सामंजस्य बना रहेगा, ऐसे प्रेमी प्रेमिका जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यदि देखें उपाय के तौर पर, तो आज आपको कुछ ठंडा या शरबत जैसी चीज़ भगवान श्री गणेश को शिवलिंग के साथ बैठे हुए गणेश को चढ़ानी चाहिए। शुभ रंग आपके लिए नारंगी, शुभ अंक नंबर 3 रहने वाला है। राशिफल सिंह राशि के लिए, यदि देखें आर्थिक तौर पर, तो आज कर्ज चुकाने का दिन है, बुधवार का दिन, आज किसी प्रकार का कर्ज यदि लिया था, तो चाहे उसमें कुछ अधिक थोड़ा ही जमा कराएं, पर जमा कराने से आपके कर्ज जल्दी निपट जाएंगे। अगर कर्ज नहीं भी थे, तो आज किसी प्रकार की सेविंग या दान का ज़रूर सोच लें। यदि देखें आप स्वास्थ्य के तौर पर, तो दिन आपका नॉर्मल रहने वाला है। यदि देखें आप प्रेम के तौर पर, तो कोई दोस्त आज आपको आपके प्रेम से मिलवाने जा रहा है, उस दोस्त का धन्यवाद देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि देखें आप उपाय के तौर पर, तो शिवलिंग के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना आज आपके लिए विशेष उपाय है। यदि देखें शुभ रंग के लिए, तो ग्रह शुभ अंक नंबर 6 रहने वाला है। राशिफल कन्या राशि के लिए, यदि किसी प्रकार की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो आज उसके लिए रिटर्न आने के चांसेस बन रहे हैं, साथ ही साथ किसी प्रकार का किराया जो कि रुका हुआ था वह भी आने के चांसेस बन रहे हैं। यदि देख रहे हैं आप स्वास्थ्य के तौर पर, तो दिन आपका मिला जुला रहने वाला है, जो दवाइयाँ चल रही थी उनको बिल्कुल भी ना छोड़ें, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रह सकता है। यदि देख रहे हैं प्रेम के तौर पर, तो आपको आज मन मर्जी की बात
प्रेमी युगल से कहना, अपने प्रेमी से कहना बहुत ही अच्छा फल देगा। यदि पति से कोई बात कहना चाहते तो आज का दिन बेहतर है। यदि देखें आप उपाय के तौर पर, तो यदि दुकान में, मकान में, घर में किसी प्रकार के चूहे आ रहे हैं, तो उनको कुछ मीठा खिलाकर हाथ जोड़कर कहें कि कोई प्रकार का नुकसान ना करें, भगवान श्री गणेश को मेरे यहाँ लेकर आएँ। यदि देखें आप रंग के लिए, तो शुभ रंग लाल शुभ अंक नंबर 2 रहने वाला है। राशिफल तुला राशि के लिए आर्थिक तौर पर देखें तो आज आपको नौकरी में किसी प्रकार के फायदे मिलने के चांसेस बन रहे हैं, साथ ही साथ किसी प्रकार के धन संचय के लिए भी रास्ते आज खुलने जा रहे हैं। यदि देखें आप स्वास्थ्य के तौर पर, तो आज आपको जांघों से जुड़े हुए दर्द या फिर बालतोड़ की परेशानियां परेशान कर सकती हैं। यदि देखें आप प्रेम के तौर पर, तो किसी प्रकार का आपसी मनमुटाव या फिर झगड़ा आज खड़ा हो सकता है, दिन के अंत में बोलचाल बंद हो सकती है। यदि देखें उपाय के तौर पर, तो शिवलिंग पर आज आपको दूध मिला जल चढ़ाना विशेष उपाय बन जाता है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद शुभ अंक नंबर 9 रहने वाला है। राशिफल वृश्चिक राशि के लिए आर्थिक तौर पर देखें तो आज आपको आर्थिक खर्चे जो हैं वो खींचते हुए ले जाएंगे, आपको खर्च करवा कर ही मानेंगे। कुछ खास अच्छा दिन आज आपके लिए खर्चों के तौर पर तो नहीं जाने वाला। यदि देखें आप स्वास्थ्य के तौर पर, तो दवाइयों में कुछ पैसा खर्च हो सकता है, अपने विशेष ध्यान रखें। यदि देखें प्रेम के तौर पर, तो गिफ्ट किसी प्रकार का पार्टनर आज आपको ज़बरदस्ती लेने के लिए मन बनवाएंगे ही, ऐसा कुछ दिन है कि आज आपको पार्टनर के लिए कुछ लेना पड़ सकता है। यदि देखें आप उपाय के तौर पर, तो चंदन आज आपको 3 लोगों के माथे पर लगाना है किसी भी तरह, चाहे मंदिर जाकर ही लगाना पड़े, पर आज आप ये काम कर लेंगे तो आज आने वाले समय में आपको फ़ायदा मिलेगा। शुभ रंग पीला शुभ अंक नंबर 2 रहने वाला है। राशिफल धनु राशि के लिए आर्थिक तौर पर देखा जाए तो आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। किसी प्रकार के यदि नुकसान नहीं है, तो कुछ फ़ायदे भी आज आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन कम से कम कुछ जेब से नहीं जाने वाला है। यदि देखें स्वास्थ्य के तौर पर, तो स्ट्रीट फूड से बचना आज आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा, किसी प्रकार की बीमारियों को मोल ना ले लें। यदि देखें प्रेम के तौर पर, तो आज आपका कोई प्रिय आज आपको कहीं बाहर ले जाने वाला है, हो सकता है उससे आपको अट्रैक्शन हो जाए। यदि देखें उपाय के तौर पर, तो आज आपको लाल रंग का कोई वस्त्र या कोई लाल चीज़ अपने किसी जानने वाले को, जो कि आपका बहुत घनिष्ठ मित्र ना हो या परिवार सदस्य ना हो, उसको गिफ्ट करना विशेष उपाय है। यदि देखें शुभ रंग के लिए, तो शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज और शुभ अंक नंबर 5 रहने वाला है। यदि देखें राशिफल मकर राशि के लिए आर्थिक तौर पर, आज आपको कुछ आर्थिक तनाव परेशान कर सकता है। कोई प्रॉपर्टी ली हुई थी, तो उसकी किस्तें भरने की परेशानी या फिर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उसकी टेंशन आज आपको आर्थिक तौर पर रह सकती है। यदि देखें स्वास्थ्य के तौर पर, तो आज आपको पेट दर्द या फिर पेट में गैस अपच की परेशानी रह सकती है, अपना विशेष ध्यान रखें। यदि देखें प्रेम के तौर पर, तो आज आपको प्यार का इजहार करने का काफ़ी अच्छा दिन है, किसी प्रकार भी अपने पार्टनर को मनाकर उनसे आज अपने प्यार की बात कह सकते हैं। यदि देखें उपाय के तौर पर, तो आज आपको गणेश भगवान को दूर्वा घास चढ़ाना विशेष उपाय बन जाता है। यदि देखें शुभ रंग के लिए, तो हरा शुभ अंक नंबर 6 रहने वाला है। राशिफल कुंभ राशि के लिए आर्थिक तौर पर देखें, तो आज आपका दिन जो है वह कुछ कठिनाइयों भरा रह सकता है, अपना विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ यदि देख रहे हैं किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अभी ना करें, पैसे को घर में ही बचा कर रखें, कहीं ना ले जाएं। यदि देखें स्वास्थ्य के तौर पर, तो आज आपको दिन जो है वो कठिनाइयों भरा रह सकता है, लेकिन आप अंत में जाके डॉक्टर को दिखाने के बाद ही, कुछ खर्चा करने के बाद ही समस्याओं से सुलझ पाएंगे। यदि देखें प्रेम के तौर पर, तो आज आपको लाइफ पार्टनर के द्वारा किसी प्रकार का गिफ्ट मिलने के चांसेस बने हुए हैं। यदि देखें आप उपाय के तौर पर, तो आज किसी प्रकार का लोहा दान करना विशेष उपाय आपके लिए बन जाता है। शुभ रंग काला शुभ अंक नंबर 1 रहने वाला है। राशिफल मीन राशि के लिए आज आपको थोड़ी सी कठिनाई नज़र आने वाली है आर्थिक तौर पर, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं, जो कल थी उससे थोड़ा बेहतर ही महसूस करेंगे आर्थिक तौर पर भी। यदि देखते हैं आप स्वास्थ्य के तौर पर, तो आज आपको डॉक्टर के पास जाना किसी कारण से पड़ सकता है, ख़ासतौर से अपने जोड़ों के दर्द के लिए आप परेशान रह सकते हैं। आपकी राशि शनि की 7.5 के अंतर्गत आती है, अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आपको अपने आप ही रखना होगा। यदि देखें प्रेम के तौर पर, तो आपको अपने प्रिय को आज किसी प्रकार से लुभाना काफ़ी अच्छा महसूस करवाएगा, तो इसकी भी तैयारी कर लें। यदि देखें उपाय के तौर पर, तो आज आपको भगवान शिव पर जल चढ़ाने के साथ साथ भगवान श्री गणेश को किसी मिठाई का भोग लगाना विशेष उपाय बन जाएगा। यदि देख रहे हैं उपाय के तौर पर, तो आपको हल्का पीला डायमंड कलर जो होता है वैसा कुछ कलर आज आपके लिए लकी रह सकता है। यदि शुभ रंग देख रहे हैं, शुभ अंक देख रहे हैं, तो नंबर 3 आपके लिए रहने वाला है। अब हम बात कर रहे थे कि वीडियो के अंत में जब 12 राशि हो जाएंगे, तो आपको एक विशेष उपाय देंगे, जो कि आज के दिन और आज के जो दिन के देवता हैं भगवान श्री गणेश, उनसे जुड़ा हुआ है। वह यह है
कि आज आपको भगवान श्री गणेश के मंदिर जाकर उनको दुर्वा घास दान करनी है, बस इतना सा एक छोटा सा उपाय कर लें और अपने मनोकामना जो है वो भगवान श्री गणेश के कानों में कहें। यह करने से आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपकी मनोकामनाएँ ज़रूर पूरी हों, ऐसी मनोकामना हम आपके लिए करते हैं। तो श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिख दें कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें कल का राशिफल पाने के लिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। राधे राधे।